एंड आई वुड लाइक यू टू सी माई लिटिल लिटिल गाय. इसका कोई नाम नहीं है और मैं इसको फॉस्टर कर रहा हूँ अभी. ही इज़ नॉट माइन. दिस इज़ वन बेबी रेडियस स्लाइडर. आई हैव लाइक वेरी बिग टैंक फॉर हिम. ये अभी मैं इसको थोड़े टाइम के लिए रखा हुआ है बिकॉज ये जिनके पास था ही कुडंट कीप हिम एंड ही हैड टू गो समवेयर. ही इज अ वेरी डार्लिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ. ही वॉज बास्किंग. अभी मैं इसका प्रॉपरली एक सेटअप वाला वीडियो बनाने जाऊँगा. तो बिफोर आई टेल एनी थिंग अबाउट दीज ब्यूटिफुल पिजन्स, आई रियली लव देम. मुझे बहुत पसंद हैं ये. पर अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घर से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फौना फाउंडेशन, उसके बहुत सारे काम हैं. जैसा कि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्टेज पे हूँ तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और रेस्क्यू कॉल्स होते हैं तो मैं इनको टाइम नहीं दे पा रहा. ऑल्दो आई थॉट कि ये मेरे घर में प्रॉपर चिल करेंगे जो कि ये करते भी हैं, बट दे आर वेरी मेसी. वो हर जगह ऐसे दे पूप अ लॉट, हर जगह गंदा करते रहते हैं. और यू नो देन आई डोंट इवन हैव टाइम कि मैं वापस आकर अपना रूम साफ करूं. और बिकॉज दे आर माई एनिमल्स और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको रख कर अच्छे से रखना इनको और वो सब, तो आई डोंट लाइक दैट. और अगर आप किसी पेट को अच्छे से टाइम ना दे पाओ, उसका ध्यान ना रख पाओ, तो उससे अच्छा है कि आप उसको फॉरवर्ड कर दो किसी ऐसे बंदे को जो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो. आई वॉन्टेड टू कीप देम पर अब मुझे लग रहा है कि मैं इनको टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ तो इनको ऐसे कैद में मैं क्यों रखूँ. ऑल्दो ये उड़ नहीं पाते हैं, दे के नॉट फ्लाई और एज यू नो दे आर काइंड ऑफ रेस्क्यूड ऑल्सो. तो बहुत अच्छे से टेम हो गए हैं ये, पर अब है सो थोड़ा सा सीन, तो आई डोंट थिंक आई कैन कीप देम एनी मोर. So, although they are very beautiful, I love them, but they just poop a lot और हर जगह, you know, it cannot be controlled. और उस चीज़ का मैं कुछ ना कुछ solution निकाल सकता था अगर मेरे पास time होता. तो आप जो window पीछे देख रहे हो उसमें अंदर pigeons के chicks हैं थोड़े से. वहाँ पे कबूतर ने बच्चे वगैरह देते रहते हैं और ये इस वजह से यहाँ पर बैठा रहता है पूरे दिन. ये यहीं पर बैठा रहता है और उनको देखता रहता है. अभी इसको लग रहा है कि समथिंग इज डिफरेंट तो ही जस्ट वोक अप एंड यू कैन सी हिम नाउ. दिस इज ऑलमोस्ट हिज फेवरेट प्लेस. अभी ये काफ़ी बड़ा भी हो गया है तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसके लिए एक फीमेल लेकर आ सकता हूँ मे बी. एंड ही इज़ अ गुड बॉय. इससे पहले मुझे लगता था बिल्लियाँ काफ़ी सेल्फिश किस्म की होती हैं, बट ही इज़ वेरी काइंड. यू कैन सी हिम. और ये बस चाहता है कि हम इसको प्यार करते रहें. एंड लुक एट हिज लिटिल फ्लफी पॉल्स. अभी इसका कोट भी झड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जितना भी सर्दियों का ये पूरा फर है इसका, जितना भी कोट है ये, इसको जाकर ये गर्मियों वाला कोट आएगा. तो यू कैन सी मैं इसको रोज़ ब्रश करता हूँ, उसके बाद भी इसके इतने बाल हो जाते हैं. जस्ट हैव अ लुक, कितना मज़ा आ रहा है इसको. सो लेट्स गो टू रंगीला नाउ. रंगीला को भी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं दिखाया है ना सिंबू. ओके. And here is my boy Rangila. He is resting अभी. इसने सारा पानी फैला दिया है यहाँ पर पूरे अपने इनक्लोजर में. But he is doing great. अभी इसका खाने का टाइम है और मैं इसको खाना दूंगा अभी. और ये शेड भी करने वाला है as you can see. इसकी आँखें हल्की सी ब्लूश हो गई हैं और इसका जो कलर है वो भी हल्का सा डाउन हो गया है. Okay, let me focus. इसका कलर हल्का सा डल भी है. इसका मतलब है कि ये शेड करने वाला है एंड इट्स गोना बी वेरी वेरी सून. ही इज अ गुड बॉय. रंगीला इज अ वेरी गुड बॉय और ही इज ग्रोइंग. सर्दियों में मैंने कोई हाइबरनेशन वगैरह वाला इसको चांस तो
होने नहीं दिया, मैंने पूरा हीटिंग पैड और पूरा टेम्परेचर कंट्रोल किया था ताकि हाइबरनेशन में ना जा सके, क्योंकि ऑलिव का जो सीन हुआ उसके बाद तो आई डोंट वॉन्ट एनी रेप्टाइल टू गो इन टू हाइबरनेशन। ऑल दो तब एक रेडियस लाइटर टर्टल आया था मेरे पास, हमारे पास आया था वो रेस्क्यू के लिए, वो तो बहुत अच्छे से हाइबरनेशन में चला गया था आते ही। ही इज़ डूइंग ऑल्सो फाइन। अभी इसके खाने का टाइम है तो मैं इसको खाना दूंगा अभी थोड़े टाइम बाद। ये थोड़ा सा ऐसे छोटा सा वीडियो होने वाला है। लुक एट हिज फेस, इट्स सो गुड, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये अभी छोटा सा ऐसे ही पेट अपडेट काइंड ऑफ अ वीडियो है, तो अभी हम इसको वापस रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा रेडी हो जाए खाना खाने के लिए। गिविंग मी अ गुड पोज। चलो ओके रंगीला। सो एवरीबॉडी, दिस इज माय एल्डेस्ट गर्ल। कैसे देखा इसने। तो ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है एंड शी इज चिलिंग राइट नाउ। आज इसका नहाने का दिन है और एज यू नो सर्दियाँ चली गई हैं। हरास नोई, ये अभी उदास नहीं है, ये अभी थोड़ी सी थकी हुई है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम एक काफ़ी अच्छी वॉक पर से आए थे और ये इसका फेवरेट स्पॉट है एंड शी सेट्स हर ऑल डे। बाय द वे अभी तो ये वेट कर रही है अपने खाने का, इसको खाना मिलने वाला। यू गिव मी अ किस। ओके, शी इज़ अ लिटिल टायर्ड एंड स्लीपी, सो शी इज़ वेटिंग फॉर हर लंच। अभी इसको खाना मिलने वाला है वहाँ से, सो दैट इज़ माई किचन और यहाँ पर बैठती है और यहाँ पर इसको खाना मिलता है, तो ये इसके लिए बेस्ट प्लेस होता है। तो जब थियासा हुआ करती थी तो थियासा यहाँ पर बैठती थी और ये यहीं पर बैठी करती थी। ऑल दो मैं बहुत ट्राई करता हूँ टू बी विद हर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि ये थियासा की थोड़ी सी यादें यू नो थोड़ा सा भुला सके, बट इट्स ओके है ना स्टोरी। एंड दीज आर माय शुगर ग्लाइडर्स। अभी मैं फूक मार रहा था तो ही गॉट अ लिटिल ऑफेंडेड और ये बाहर आकर देखने लगा। दे लुक सो क्यूट। ये सिर्फ रात को ही जागते हैं और दिन में ये सोते ही रहते हैं। और यू कैन सी वो दोबारा अंदर चला गया और मैं अभी कुछ बात कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे देख रहा है। अरे इसलिए मैं इनको दिन में बिल्कुल भी तंग नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत गुस्सा करते हैं। अरे ठीक है, इट्स ओके, सॉरी सॉरी। So it's time for feeding this little guy. ये अभी छोटे छोटे से हैं, ये थोड़ा सा अभी इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है खुद खाना। And as you can see, he is looking for the milk right now. अरे और इन्होंने ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ना भी शुरू कर दिया है, which is a good साइन। ऑल दो दे हैव अ लिटिल इन्फेक्शन इनके पीछे और अभी द मेडिकेशन इज़ गोइंग ऑन, तो थोड़ा सा टफ है मेडिकेशन और इनका फीडिंग को बैलेंस करना। अभी तो मैं इनको सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ दे रहा हूँ। स्नो इज बार्किंग, शी इज़ आस्किंग फॉर सम फूड। चलो चलो, लेट मी ब्रिंग सम मिल्क फॉर हिम। मैंने और बहुत सारे वीडियोस में बताया है हाउ टू मेक दिस और आई नो यू कैन हियर द ट्रैफिक वॉइसेस। ट्रैफिक वॉइसेस बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि मेरा रूम के साइड में एकदम बालकनी है। अरे कहाँ भाग रहा है बेटा, हेयर इज आर लिटिल गाय। मैंने इनका नाम भी नहीं रखा है अभी और दे डू दिस फर्स्ट, फिर उसके बाद मुझे इनको मनाना पड़ता है, उसके बाद दे ट्राई टू यू नो हैव इट। अरे रे 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 अरे अरे, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रगल।
दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, तो यू हैव टू टेक केयर कि आप इनको चोट ना पहुंचा दें कोई. और जो ये फ्लो है इंजेक्शन का, ये सिरिंज का, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है. तो आप प्लीज़ इंजेक्शन ना यूज़ कीजिए, आप ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए. मैंने बहुत सारे रेस किए हैं तो इसलिए आई नो दिस. इनको थोड़ा सा मनाना पड़ता है दूध पिलाने के लिए, उसके बाद में दे बिकम ऑल राइट. एंड इन दिस बॉक्स आई हैव वन बॉल पाइथन, ब्यूटिफुल बॉल पाइथन. ये वही वाला है जो बहुत टाइम पहले आई ऑर्डर्ड इट, पर मैं उसको रखने नहीं वाला था. मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने रखा है इसको. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेसिमेन. ये 3-4 फुट के आसपास बड़े हो सकते हैं. ये मेरा नहीं है, ये मेरे एक जानने वाले भैया का है. तो इस वजह से ये अडॉप्शन के लिए भी नहीं है. तो प्लीज़ डोंट ask me ki you know that can you can adopt him or something like that. It's a very beautiful specimen. Isme abhi iske ghar mein koi water dish nahi hai abhi. I'm gonna put that up also. Aur iska yahan pe stuck shed hai jo ki aap dekh sakte ho. I'll show you this is called stuck shed. Jo unki snake skin hoti hai wo nikalti hai to kuch reh jati hai. इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इट कैन डेवलप सेवरल इन्फेक्शंस. इट कैन रियली डेवलप सेवरल फंगल इन्फेक्शंस और ऐसी ऐसी चीज़ें, और जो कि इट कैन बी क्वाइट डेंजरस. और अभी इसको नीचे आना है तो लेट्स. इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेसिमेन, वेरी ब्यूटिफुल. अभी मुझे रंगीला को भी खाना देना है और इसको हॉट वाटर सूख देना है. इट्स गोना बी गुड.